नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट. ओके, टपल एंड लिस्ट. माय स्क्रीन इज विजिबल बेटा? यस सर. यस सर. बेटा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आता है प्लीज मुझे इमीडिएटली बताएंगे. ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा मुझे इमीडिएटली बताएंगे, बिल्कुल अपने प्रॉब्लम्स को छुपाना नहीं है, ठीक है? सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए. ओके, वन मोर इज जॉइनिंग. When we want to declare list, तो हम list को ऐसे declare करते हैं in square bracket, clear? But when we want to declare tuple, तो बेटा जी tuple आपकी declare होती है like this, b is equals to, okay? तो what is the first difference in between beta list and tuple? Dhruv, please keep your camera off. What is the first? Who is this with the name Dhruv? So what is the difference? Sir, पता नहीं कौन था. हाँ गया, no problem. What is difference between in list and tuple? अभी आपको क्या difference लग रहा है बेटा list और tuple में? यस बताए बेटा. बेटा वेरी सिंपल, लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और टपल के लिए स्मॉल पैरेंथेसिस. वन डिफरेंस इज क्लियर? वन डिफरेंस इज क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. See, in the case of list, if we will write this 12, ध्यान दीजिएगा, हमने list के अंदर 12 लिखा है. अगर मैं यहां लिखूंगा type of A, तो इसका type of A क्या आएगा students? Yes, type of A क्या आएगा students? लिस्ट. और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो बेटा वो प्रिंट भी क्या होगा? इसका टाइप आएगा लिस्ट एंड इट विल प्रिंट ऑफ कोर्स दिस 12 इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट. अब इसके बाद में मैं जो पूछूंगा वो सबको रिप्लाई करना है, तभी आप लोग को अच्छे से आएगा. ओके, नाउ इसको हम सेव कर रहे हैं. नाउ सी, है ना, टाइप आपका लिस्ट आ गया और लिस्ट के अंदर 12 आ गया. बट सेम थिंग जब मैं व्हेन आई विल डू विद टपल 12 हियर, नाउ प्रिंट टाइप देन बी देन ए. सो बेटा एज पर यू व्हाट इट विल प्रिंट, नॉट ए सॉरी बी, व्हाट इट विल प्रिंट? यस स्टूडेंट्स, tuple. Fine, as per you tuple, but it is not correct beta. It will print int and result will be 12 without tuple. Int type होगा और 12 आएगा without tuple. आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था that is in a small parenthesis tuples होता है, then ये int क्यों ले रहा है, इसको तो tuple लेना चाहिए. पहले इसको run करवाइए. देखिए इंट आया ना, और जो 12 आया वो विदाउट स्मॉल पैरेंथेसिस आया, करेक्ट? ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें सपोज टू से 3.4 लिखता हूं, तो बेटा इसका टाइप क्या आएगा?
यस फ्लोट ऑफ कोर्स इसका टाइप फ्लोट आएगा और इसका रिजल्ट भी आएगा 3.4 सी इफ आई विल राइट हेलो देन बेटा इसका टाइप क्या आएगा यस प्लीज बेटा What will be string. The title? String. String. Good. String. And its result, of course, will be hello only. See? Exactly. तो फिर ये टपल कब आएगा? Now the question is when tuple will come. See, अगर आपको टपल चाहिए सो बेटा इफ योर वैल्यू इज सिंगल तो उसके बाद में यू नीड टू प्लेस बेटा कॉमा क्लियर अगर आपका सिंगल वैल्यू है सो बेटा यू नीड टू प्लेस बेटा व्हाट व्हाट बेटा कॉमा कॉमा नाउ बेटा इट विल एज्यूम इट एज अ टपल And beta, its result will be 12, comma. Is it okay, beta? Yes, sir. You all want some proof? See. Now, proof is here. Yes or no? I hope you all understood this. Now, suppose to say beta, I want to provide hello. So beta, you need to provide your string because this is one string only. So after your one string, you should place comma. So beta, its result will be hello, comma. Right? So what is the important fact regarding about tuple? Which we need to always remember in our mind whenever we are going to provide single value in our tuple. Yes, beta. अगर हम अपनी tuple में single value दे रहे हैं, तो हमें अपने दिमाग में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? Please. Yes, beta. क्या ध्यान रखना पड़ेगा? Comma. Comma. Yes. Very good. That means अगर आप integer value दे रहे हैं, you should place comma after it. If you are giving float value, then also. If you are giving string value, then also. Now, अभी मैं आप लोगों को इसमें और थोड़ा सा confuse करूंगा. Because इस पर based बहुत questions आते हैं और बच्चे फिर कर नहीं पाते, problem आती है. Now, students, here I am writing this. Now, what will be the type of this one? Batao beta, iska type kya hoga? List. Very nice. List. Aur beta, iska output kya hoga? Inside list. Inside list 13. 14. Because, hamare tuple mein, there is only single element. Hai na beta, hamare tuple mein kitne elements hai? Single. That is 13 and 14 inside the list. Ek hi element hai, 13, 14 inside the list together. To humne comma to lagaya nahi hai. To ye isko list identify karega. Aur answer aayega 13, 14. See? Agar main iske aage comma laga dun. Aap logo ye sari cheeze apne copy mein likhni hai. Main ye video lecture share karunga. Then after that. Yes, now see hai na beta tuple aa gaya now 13 14 inside tuple and comma is also here is it okay students itna samajh mein aa gaya aap log ko okay now ab hum log iske second approach par jayenge second approach is what If we are going to provide multiple values in our tuple, like 11, 12,
फिर हमें एक एक्स्ट्रा कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है. इज इट ओके बच्चे? इज इट ओके? सो इट्स रिजल्ट विल बी टपल एंड इट्स आउटपुट विल बी 11.12. स्टूडेंट्स इज इट ओके? आप लोग बीच में लीव मत करिएगा बिकॉज आप लोग का अटेंडेंस नहीं लगेगा इफ यू विल लीव. नाउ आई होप इन द केस ऑफ मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर बेटा. स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर. Okay, now, so this one thing I'm going to remove. Now, the next thing which I'm going to illustrate you, it is also very important one. Like, students, this is your list. And inside list, elements are 11, 12, and 13. Now, students, if I will write here A of 1 is equals to 100. So, what will be the result? Yes, boys and girls, please reply. What will be the result, beta? Yes, very good. 1130. Very good. Inside the list, 1113. Very nice. So that means, इससे हम ये highlight कर सकते हैं, whatever changes will be do, they will be, मतलब changes will be there, okay, in list. But if we will do the same in the case of tuple, like inside tuple, we are giving 11, 12, 13. Now, A of 1 is equals to 100. Now I will not A of 1, sorry, B of 1. Now I will write print B. So what will be the result, students? What will be the result? Yes. So many brilliants are here. Please reply. Just imagine and reply, beta. Girls, boys, please. Yes, students. Are you try karne mein kya jata hai, beta? You may be correct or you may be incorrect. There's no problem. No idea. Ya batana nahi hai. Class 11, please, beta. What will be the result? जो आपके दिमाग में आ रहा है. अच्छा कोई भी शूरवीर नहीं है. There is no brave one. हाँ. Okay. So result will be 1113. Is it okay? Yes, students, am I audible? Yes. Yes, sir. So, beta. Yes, sir. So you should reply, na? I'm asking so many times, na? This result is 100% wrong. No, result will not be this. Result will be this. That means in the case of tuple, there will be no changes. Clear? Iska matlab kya hua? Tuple mein changes nahi honge. Is it okay? Tuple hamara mutable nahi hota hai. Tuple is not mutable. We are trying to place 100 at one location. We cannot
because tuple is immutable. So this is an error. Error because tuple is immutable. चलिए इसको रन भी करवा करके दिखा देते हैं. सी एरर आ गया ना, b ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 100 एरर बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल. यस इज इट ओके. ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट. अभी समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके. Now, so what is the difference? What is the major difference between list and tuple? List is mutable. Tuple is immutable. Clear? But what is common? List and tuple both are sequence. Yes. Okay, now चलिए हम लोग next one पर पहुंचते हैं. Now another one very interesting thing in tuple, and the thing is supposed to say if we are giving values like this 11, 12, 13. So, beta, in this one, how many variables are here? Yes, students, how many variables? One. And, yes, very good. How many values we are trying to give? No, I'm asking how many values we are trying to store inside a Students, how many values I am trying to store inside a? Four values. Is it possible, students, to store multiple values inside tuple? Sorry, not inside single variable. Is it possible to store multiple values inside any variable? No. But if you are trying to do this one, then automatically A will take these all the values as tuple. I'll show you. I'm typing here type of A. And in next one, I will type print A. So you will see it will assume all the values as tuple. Yes, sari ki sari values ko as a tuple consider kar lega. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. तो एक डिफरेंस तो ये हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. नाउ अनदर वन डिफरेंस. इसको नोट करेंगे सब लोग कॉपी में. A इज इक्वल्स टू 11, 12, 13, 14. हम लोग इसे अनजिप भी कर सकते हैं. वी कैन डू अनजिप. बट हाउ यू कैन डू अनजिप लाइक दिस. हाउ मेनी वैल्यूज बेटा, how many values are there inside your A variable, inside tuple? tuple ke andar kitne values hain beta? Four. So beta, you need to take four variables, P, Q, R, S is equals to A. So A will transfer its first value inside P, it's a second value inside Q, it's a third value inside R, it's a fourth value inside S. Is it okay? Yes, sir. Jo bache leave kar rahe hain, they will mark as a absent, not present, because abhi maine attendance liya hi nahi hai. Now, P, Q, R. See, 11, 12, 13, 14. Hai na?
इसको बोलते हैं वी कैन अनजिप ऑल्सो, ठीक है। अनजिप मतलब हम टपल में से एक एक वैल्यू, एक एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, वी कैन असाइन। इज इट ओके स्टूडेंट्स? बट फॉर दिस वन थिंग यू नीड टू बी, फॉर वन थिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, दैट वन इज दिस supposed to say. Now inside A there are four values in your tuple and you are trying to copy your four values inside how many variables beta? Three. So beta this will raise an error, है ना। कभी भी अगर आप unzip करेंगे तो आपके number of variables भी कितने होने चाहिए? See, P तो four. Yes. Q इसको ले लेगा, R इसको कॉपी कर लेगा, बट वॉट अबाउट 14? तो इसलिए बेटा एरर आ जाएगा, बिकॉज वेरिएबल्स आर इनसफिशियंट। सी देखो, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, है ना। वैल्यूज हमारे पास में वैल्यूज 5-4 थी देने के लिए और आप जिसमें रिसीव कर रहे हैं दे आर 3 ओनली, सो दिस विल रेज एन एरर। सो इफ यू विल हैव 4 values, then only you can work out. See, now we are going on to next concept of this tuple. Small concept only we will discuss today. Then Monday onwards, we will move on to major contents of this tuple. Now, students, tell me. Suppose to say, if I will write A plus 15 like this, so this will work or not? ये काम करेगा या नहीं करेगा? Tell me. Yes, students, this will work or not? Reply, बेटा. Class में भी तो हम पूछते हैं, आप लोग reply करते हैं, तो बेटा यहां भी आप लोग reply करिए please. No. Why? Reason कौन बताएगा? If no, because the tuple is immutable. No, we are not doing beta mutable thing. It is not possible just because there is one reason. Okay, चलो list से हम लोग आपको ध्यान दिलाते हैं with the help of list. List की help से ध्यान दिला रहे हैं. This is list. Now, अभी बताइए इसमें ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? In the case of list, this is correct or incorrect? Incorrect. Why? क्यों है बेटा incorrect? 15 should be under in the list. Yes, because with list, A is list, we can concat list only. हम इंटीजर वैल्यू को लिस्ट के साथ में कॉन्कैट कर सकते हैं क्या? चेतना, दिनेश, दीपक? नो सर, नो, वी कैन नॉट कॉन्कैट इंटीजर वैल्यू विद लिस्ट, सो डेफिनेटली देयर विल बी एन एरर। जस्ट सी, यस, कैन ओनली कॉन्कैट लिस्ट, और अगर हम इसमें लिस्ट लगा देंगे 15 में, सो इट विल वर्क, है ना। 15 आ गया। सो जस्ट लाइक दिस वन आई एम आस्किंग इन टपल, यस, दिस विल वर्क और नॉट? इन द केस ऑफ टपल बेटा दिस विल वर्क और नॉट? यस और नो? Yes, students, in the case of tuple, this will work or not? No. Reason? Reason? Ritik, Jais, Jitin? Reason? We can concat only tuple values. Yes, because we can concat only tuple values. Same reason. Hai na? We can only concat tuple, not int.
एरर इज हियर, सो नाउ व्हाट? तो हमें 15 को भी क्या बनाना पड़ेगा? टपल. ओके, आई विल मेक टपल. मैंने ये टपल बना दिया. नाउ इट विल वर्क? नो. बाय? नो सर. बाय सर? कॉमा. यस, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये 15 जो आपको टपल में नजर आ रहा है, ये इसको टपल कंसीडर नहीं करेगा, ये इसको इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेगा. बिकॉज टपल के अंदर whenever there will be single value inside the tuple, it should be ended with comma. I'll show you. See, can only concatenate tuple, not end. Tuple ko hi concat kar sakte ho bhai. Ye to isko end samajh raha hai. Toh humko kya lagana padega? We need to place comma. Now when we will do, it will work. Yes or no? Okay, students, this one concept is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आपके साथ में एक गेम और खेलेंगे. वन मोर पजल गेम अलोंग विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन. जस्ट टेल मी How many elements are there inside this tuple, beta? पहले आप लोग मुझे ये बताइए, इस tuple के अंदर कितने elements हैं? Three. First element कौन है बेटा? 11. Second element? 12, 13. Third element? 13, 14. Okay, student. This 14. I'm writing a of 2 is equals to 100. This is valid or invalid? Ye valid hai ya invalid hai? Invalid. Why? Kyun hai invalid? Because we are trying to make changes on 14. 14 ki jagah hum kya karne ki koshish kar rahe hai? 100. और टपल तो हमारी इम्यूटेबल होती है, सो इट इज इनवैलिड. इट इज इनवैलिड बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल. एम आई राइट स्टूडेंट्स? यस सर. यस, तो एक बार एरर तो हमें लाना पड़ेगा ना, तभी तो मानोगे आप लोग. सी, Tuple object does not support item assignment, है ना? आ गया. Now बेटा, अगर मुझे 13 चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पहले ये बताइए, अगर मुझे 13 चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? जल्दी बताइए. हरी आप, if I want 13 तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? Yes, there's so many brilliants are here. रजत, शगुन, पालक, पीयूष, उर्वशी, मयंक, मनीषा, लाइवा, कार्तिक. यस प्लीज बेटा, मुझे टपल में से इसको डिस्प्ले करवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? वो सॉरी, 13 को डिस्प्ले करवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? जल्दी बताइए. यस स्टूडेंट्स, लास्ट कॉल फॉर ऑल ऑफ यू. क्या लिखना पड़ेगा? ओके, नो वन इज रेडी टू आंसर. ओके, वन इज आंसरिंग मी. सोहम ओनली आंसरिंग मी. हैं, ऑल अदर्स आर एंजॉइंग, सिंपली एंजॉइंग. हाँ बेटा, फिर फाइनल में फेल हो जाएंगे तो मत बोलना. अभी आंसर नहीं दोगे तो फिर यही होगा. अगर आप गलत भी आंसर दोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम. अच्छा चलो, मुझे ये लिस्ट चाहिए पूरा. अब क्या लिखना पड़ेगा लिस्ट के लिए? क्या लिखना पड़ेगा ये तो बता दो. ए ऑफ वन, ए ऑफ वन का मतलब क्या हो जाएगा? 12, 13. अभी मुझे इसमें से 13 चाहिए तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? ए ऑफ वन. वेरी गुड मनीषा, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा.
अब अगर मैं इज इक्वल टू 100 लिखता हूं तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंटेक्स बेटा? बताइए बेटा इसका मीनिंग क्या है? Thirteen will be replaced by 100. Very good, Dinesh. Is it possible, students? Yes or no? Yes or no? My dear, brave children, answer me. Is it possible or not? Yes, sir. Why, beta? कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज हो रहे थे तो वो सोच रहे थे अगर हमने आंसर दे दिया, हमारा आंसर गलत हो गया तो सर बुरा मान जाएंगे. दे आर थिंकिंग लाइक दिस. बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आप गलत दो या सही आंसर दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो दिस इज टपल और टपल के अंदर लिस्ट है. And we are doing changes inside tuple, not exactly inside tuple. We are doing changes inside list. So 100% changes are allowed here. See, now I'll show you with the help of result. Print A. I'm going to run. Oh, wow. Changes are here. Yes or no? Yes, sir. और अगर मैं इस टपल, इस लिस्ट को टपल बना दूं, then what? Then बोलो स्टूडेंट्स. Error. Very nice. Error. I love to hear this word error because error से ही हम लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं. Yes, tuple object does not support item assignment. Is it okay? Now, I hope you all are able to understand some concepts of this tuple. Huh? So, in next class hamari bahut important hogi aur hum log usko bahut interest ke saath mein padhenge. So, now it is my humble request, those who are present, kindly mark your name in message box as a chat. Please, beta. अटेंडेंस उसी की लगेगी जो लोग चैट में अपना नाम भेजेंगे. अरे आप Those who mark their name, they can leave. Do people need to write these all the notes in your classwork copy? Mark your attendance and then leave. Bina attendance diye hue leave mat karna. Yes, Ishu, Mayang, Rajat, Srinivas, Sibin, Varsha, write your name in chat and leave. Srinivas, better write your name. Okay, thank you.